My name is Dr. Uma Alsan and I'm senior faculty at Brutus Eyes. We all have witnessed highly infamous, very sad incident जहाँ पे students सोच भी नहीं सकते होंगे कि ये preparation कर रहे हैं, test दे रहे हैं और वहाँ पे एक तरीके से सैलाब भी आ जाएगा और ये लोग अपनी बच्चे अपनी जान खो देंगे. Parents नहीं सोच सकते थे कि अभी अगर मेरा बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा है या ये सब इंसिडेंट देख भी रहे हैं ये मीडिया में तो हमारा बच्चा नहीं होगा, हमारा बच्चा सेफ होगा. कोई नहीं सोच सकता था एक्चुअली, ना गवर्नमेंट सोच सकती थी, ना यू लाइक कोचिंग ओनर थे वो सोच सकते थे. कोई भी इस इंसिडेंट को इमेजिन नहीं कर सकता था. डेफिनेटली ये बहुत दुख की बात है जो हुआ है, लेकिन एक अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई है इस बात से. मेरा जो एनालिसिस है वो कोई तर रखने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी. जनरली आप कोई भी अगर मुझसे बात करता है इस मैटर पे तो उनको लगता है कि हाँ, क्योंकि भी शी इज़ अ फैकल्टी एट Brutus Eyes और कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है तो ये तो बिल्कुल उनको डिफेंड करेंगे, राइट. एज अ सोशियोलॉजिस्ट मैं इस पूरे इंसिडेंट को एनालाइज करती हूँ और समझती हूँ. इनफैक्ट जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे मैं उस प्रोटेस्ट पे जाके बैठी. बहुत बच्चों को डेफिनेटली पता भी नहीं था कि मैं फैकल्टी हूँ. मैं एनालाइज कर रही थी, समझ रही थी है क्या मतलब, यू नो, इन लोगों को एक्चुअली एक राइट गाइडेंस और फ्रेमवर्क है भी सोचने के और समझने के लिए कि नहीं. डेफिनेटली गुस्सा होता है यूथ के अंदर और कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो अपनी बात भी कहते हैं. बट आई टुक दैट इंसिडेंट वेयर आई कुड सिट एंड टॉक टू पीपल अराउंड, जो कि मैं हमेशा अपनी क्लास में कोशिश करती हूँ कि बच्चों को समझाऊँ. जो भी हुआ उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं, बहुत आसान है करना. लेकिन मैं ये सवाल बच्चों से ही पूछना चाहती हूँ और पेरेंट्स से भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर ज़रूरत ही क्यों होती है कोचिंग भेजने की, क्या मतलब है. मैंने बच्चों से भी ये बात सवाल किया, क्या सेल्फ स्टडी से हम ये एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते. क्यों बच्चे एक रैशनल डिसीजन नहीं लेते हैं जब वो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं. एंड माई क्वेश्चन इज के रिक्वायरमेंट क्यों है, कोचिंग इंडस्ट्री स्टेब्लिश क्यों होती हैं, जरूरत कैसे आ जाती है इनकी, सेल्फ ट्यूशन्स की जरूरत क्यों आ जाती है, ये एक अहम सवाल है. ये क्वेश्चन जब मैंने पूछे बच्चों से तो उनके पास तरह तरह के जवाब थे. उनमें से किसी बच्चे ने कहा कि मैम हर कोई स्ट्रांग बैकग्राउंड से नहीं आता, कि हम आते ही आंसर राइटिंग पर रिफ्लेक्ट कर लें. क्योंकि मैं उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप लोग क्यों नहीं स्टडी करते हैं, क्यों नहीं आप समझते हैं. तो इस बात को बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है. देयर इज नो सेकेंड ओपिनियन अबाउट इट दैट व्हाट हैपेंड इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ लॉट मेनी फेलियर्स ऑफ सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन टू इट. बट दिस इज अ पब्लिक इश्यू, इट इज नॉट अ पर्सनल ट्रबल्स. दिस इज वॉट सीरिट मिल्स हैव एक्सप्लेन्ड. किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए आपको मैक्रो और माइक्रो दोनों पर्सपेक्टिव की जरूरत है. तो जैसे मैंने कहा कि सेल्फ स्टडी से ही ये एग्जाम क्यों नहीं क्रैक हो जाता, इसमें बच्चे बोलेंगे कि मैम बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम क्रैक करते हैं. तो मेरे कुछ सवाल हैं. पहला, दैट वी ऑल नो दैट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, टू हैव सिक्योर जॉब, ये एक नेशनल हॉबी है, ये एक सपना है. तो ये सपना कौन सी क्लास का है, किस कौन से लोग ये सपने देखते हैं? ये सपने वही लोग देखते हैं हु आर स्ट्रगलिंग, मोस्ट ऑफ देम, राइट. ज्यादातर आपको मिडिल क्लास या लोअर क्लास, और कुछ परसेंटेज के लोग जरूर होते हैं जो कि हायर क्लास से बिलोंग करते हैं. तो जिंदगी में सबके गोल्स हैं, सबके एस्पिरेशन है, सब अपनी लाइफ को एक बेटर शेप देना चाहते हैं. तो मेहनत करना है और मेहनत करके अपनी लाइफ को बदलने की एक उम्मीद रहती है सबके मन में. और एजुकेशन से अच्छा तो कोई मैकेनिज्म हमको नहीं दिखता. तो अगर जॉब करनी है तो व्हाई नॉट एलीट जॉब. अब UPSC का एग्जाम निकालना, IAS का एग्जाम निकालना, इट्स रियली डिफिकल्ट. थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड आई वुड से एस्पिरेंट्स हु गेट इन्वॉल्व इन टू इट, राइट. एंड इट इज द मोस्ट ऑल्सो लाइक यू नो डिफिकल्ट एग्जाम. अब इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर कोई इतना प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग से नहीं आता
कि इस एग्जाम को वो सरलता के साथ क्रैक कर ले। मोरओवर हमारे स्कूल्स में ये सिस्टम नहीं है कि अगर कोई बच्चा बहुत प्रिपरेशन करना चाहता है या करियर काउंसलिंग की जो शुरुआत है वो स्कूल लेवल से ही हो जाए तो अच्छा रहे। कोई आईएएस के लिए प्रिपेयर करे, कोई नीट के लिए प्रिपेयर करे, कोई आईआईटी के लिए प्रिपेयर करे और उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग हो। यही चीज़ यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेजेस में अप्लाई हो जहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट उनको हेल्प करे, तो आई डोंट थिंक सो कोचिंग की ज़रूरत भी होगी। बहरहाल अगर हम कोचिंग करने जा भी रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, कि लोन लेके अपने आप को कष्ट में डाल के प्लीज़ कोचिंग के लिए नहीं आए, ना दें कहीं भी फीस। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने आप को एक रैशनल तरीके से सोचने के लिए। जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ बस यही लोग हमारे नैया पार करा देंगे। नहीं, कोचिंग विल ओनली प्रोवाइड यू गाइडेंस एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ एज अ यू नो पार्ट ऑफ सम इंटरव्यू। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टेलिंग टू ऑल माय एस्पिरेंट्स, टू ऑल माय स्टूडेंट्स, कि अगर आपको ये लगता है जैसे डॉक्टर उमासन आपको सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में ये करा देंगे वो करा देंगे, नहीं, माई जॉब इज़ टू गिव यू गाइडेंस। लड़ाई आपकी है, लड़ना आपने है। मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या आप करेंगे तो आप ये बात जीत, मतलब यू नो आप जीत सकते हैं, यहाँ पे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यही जॉब है, यही रोल है कोचिंग इंडस्ट्रीज का। ओके, सो बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जहाँ पे डेफिनेटली जो एक मार्केट बन चुकी है वहाँ पे इन सारे इंसिडेंट्स से लोगों को एक कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, एम्पैथी जिसका सवाल जो मैं कहूंगी कि वो डेवलप होती है। आई एम माई सेल्फ हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। आई हैव लेफ्ट माई सिक्योर जॉब इन जामिया यूनिवर्सिटी एंड वॉन्टेड टू टीच एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी। बाई प्रोफेशन आई एम सोशोलॉजिस्ट, मैं टीचर हूँ, तो मैं कौन से बच्चों को पढ़ा के कुछ सेवा कर सकती हूँ? अब लोग बोलेंगे कि मैम आप सेवा करना है तो फ्री में कर ले। हाँ, हम वो भी करते हैं। टीचर्स के भी अपने पर्सनल लाइफ होती है, उनके भी खर्चे होते हैं, एक सिस्टम को रन करना आसान नहीं है। बहुत ही नेगेटिव वे में टीचर्स को बहुत प्रेजेंट किया गया है, कोचिंग इंडस्ट्री को प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आई वुड से जहाँ गलती है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। जब हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को एनरोल कराते हैं तो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि जिस सपने से वो आ रहे हैं उस सपने को हम होल्ड कर पाए, हेल्प कर पाए, उनको पढ़ा पाए, समझा पाए, जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आंसर राइटिंग पे मदद कराएं। ओके, ठीक है, बहुत स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं लेकिन फिर भी नीयत साफ होनी चाहिए। इट शुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमोडिफिकेशन। डेफिनेटली जब बच्चा ज्वाइन करता है तो आपसे 17 to 18 months इनरोल रहता है, जहाँ पे बच्चा क्लास ले रहा है, सारी चीज़ें कर रहे हो, उसके अपने एक्सपेंसेस हैं, उसको मैनेज करना होता है। लेकिन फिर भी इसको, जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं ना कि कैपिटलिज्म इज़ नॉट बैड, मार्केट इज़ नॉट बैड, बट नॉट हैविंग एम्पैथी, नॉट हैविंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन व्हाट्स एवर यू आर डूइंग, दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। तो पहला तो ये मेरा एडवाइस रहेगा सारे ही कोचिंग ओनर्स को कि अगर आप कोचिंग दे रहे हैं तो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिस का ध्यान रखें। जैसे एट अस, यू नो, विद अस प्लूटोसाइज पे वी डोंट हैव एनी क्लासेस बेसमेंट्स पे, ओके, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात के यू नो वी हैव टू फेस दैट, और अभी भी हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं प्लूटोसाइज की। जहाँ पर भी हमारी क्लासेस रन होती है, इट इज़ नॉट इन द बेसमेंट एट ऑल। ओके, ऑनलाइन सुविधा है, जबकि इस इंसिडेंट में हर कोचिंग बंद हो चुकी थी, प्लूटोसाइज नहीं बंद हुआ, हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो डेफिनेटली डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो 2025 के लिए यूपीएससी इस इंसिडेंट के वजह से अपनी डेट चेंज करेगा।
आपका प्रीलिम्स उसी डेट पे होगा जो यूपीएससी बॉडी बता चुकी है। तो हम लोग भी इतने डेडिकेटेड हैं, उस इंसिडेंट्स के उस जो इंसिडेंट हुआ और जो प्रेशर यहाँ पे हम लोग फेस कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भी हमारा यही कंसर्न था कि नहीं, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन, क्लासेस होगी। सो आई थिंक आपके पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा जो एफर्ट्स लगाएगा कि आपका ये सपना पूरा हो, तो वो कहीं ना कहीं फैकल्टीज, वो कोचिंग रहेगी, क्योंकि उनका, आपका सक्सेस और उनका सक्सेस दोनों मिला हुआ है। तो कहना तो बहुत ही आसान है किसी भी टीचर्स को आप डिफरेंट रीजंस के वजह से बदनाम कर दीजिए, क्योंकि वो शायद आपके कॉम्पिटिटर हैं डिफरेंट डोमेन में, तो आप उनको बदनाम कर दीजिए क्योंकि आपको लगता है कि वो अच्छा बोलते हैं, वो सच बोलते हैं। लेकिन क्या आपका हाथ लॉन्ग टर्म के लिए, मैं स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, होल्ड कर सकता है? आप परेशान हैं, आपको कोई चाहिए बात करने के लिए, आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है? आई डोंट थिंक सो। फॉर इंस्टेंस, डेफिनेटली आई वुड से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके बैच में 500 बच्चे हैं तो आप उस तरीके से मैनेज करिए। फॉर इंस्टेंस प्रोटोसाइज में सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच रहता है, बहुत कम बच्चे रहते हैं उस पर भी। आई एम टेलिंग यू, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हम इतने कम स्टूडेंट में नहीं पढ़ना, बच्चे ही नहीं है हमको, तो 50 बच्चे क्या होते हैं, कम से कम 200 बच्चे होंगे और ये और वो, बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, राइट? तो ये सारी कुछ बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। पेरेंट्स से भी मैं बोलूंगी, एज आई हैव सेड इन द बिगनिंग, प्लीज लोन मत लीजिए, मत भेजिए अपने बच्चे को अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिल सकती है, सेल्फ स्टडी से भी बच्चे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बट हिम्मत तो आपको खुद जुटानी पड़ेगी। और कोई भी कुछ भी आपको सपना दिखा रहा है तो मत देखिए, गलती आपकी है। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है और उसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है, उसमें कुछ भी ऑथेंटिसिटी नहीं दिख रही है, उसको रिजेक्ट कीजिए। ह्यूमंस आर क्रिटिकल थिंकिंग बींग। तो अगर हम ये कहें कि हम बेवकूफ बना दिया जाता है, हम ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, सो सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी जरूरत है। डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। काफी बच्चों ने मुझे बोला उसमें, वहां पे उस प्रोटेस्ट में, कि मैम हम आंसर राइटिंग आते ही नहीं कर लेंगे। डेफिनेटली यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। सो कुछ बेनिफिट्स हैं तो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इस चीज के लिए। और मैं आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे रही हूँ, जब मैं उस भीड़ पे बैठी थी तो मैंने देखा कि पॉलिटिकल ग्रुप्स के बच्चे वहां पे बैठ के अपनी बात ज्यादा कह रहे थे, इंस्टेड ऑफ एस्पिरेंट्स हू आर प्रिपेयरिंग। तो एक मुद्दा मिला है, उस मुद्दा को हम हीटेड अप कर देते हैं। द मोमेंट आई वॉज रेजिंग सच क्वेश्चंस, दोज ग्रुप्स वर नॉट लेटिंग मी स्पीक। ऑल दे स्टार्टेड सेइंग आप फैकल्टी हैं, नो फैकल्टी, आप जाइए यहां से वो। बस मेरा सवाल सीधा था उन सबसे, आईएएस सिर्फ जॉब नहीं है, कि सपना है। और वो सपना क्या है? शिफ्ट ऑफ क्लास। इट्स अ ड्रीम टू इंक्रीज योर परचेसिंग पावर। एक सिंपल घरेलू और डोमेस्टिक इंडियन वैल्यूज के साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे, आईएएस वगैरह बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, तो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना वो सब ठीक हो जाएगा। और यही सपना बच्चा पूरा करना चाहता है, क्योंकि समझ तो उसे भी आ जाता है कि लाइफ में बहुत चैलेंजेस है, बहुत स्ट्रगल है। सो मोनोपोलीज क्रिएट हो चुकी है ना हर जगह, जिसको आप नेपोटिज्म भी कहते हैं। कहां से अपनी किस्मत बनाए एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी? पॉलिटिक्स में आप करियर बनाना चाहते हैं, आप देखिए सारे पॉलिटिशियंस का बैकग्राउंड। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप वहां पे देखें। आप इंडस्ट्रीज कुछ लगाना चाहते हैं, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किलात हैं हर जगह। अपने बलबूते ऐसा लगता है कि कुछ एग्जाम हम क्रैक कर लें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर लें, तो लाइफ हम बना पाएंगे शायद अपनी। इसी वजह से बच्चे जुड़ते हैं। तो ये सपना है,
ये सपना लोग देखते क्यों है, क्यों नहीं हमारे पास एक स्टेबल सोसाइटी है, क्यों नहीं हमारे पास एक आई नो इक्वालिटी इज अ मिथ, बट फिर भी क्यों नहीं एक इगैलिटेरियन माहौल हो सकता है अपॉर्चुनिटीज को लेके। अमर्त्य सेन इसी की बात कर रहे हैं, राइट, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। सो सवाल मेरा ये है, क्यों बच्चे बेसमेंट में जाके ऐसे माहौल में जाके रहते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि हाँ यही ठीक है, बस कुछ समय की तो बात है। और डेफिनेटली इट्स अ शेमफुल एक्ट फॉर दोज कोचिंग ओनर्स और आई वुड से टीचर्स, फैकल्टीज, डेफिनेटली हूसोएवर इन्वॉल्व इन टू इट, जो ये छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाता। अगर आपने ये प्रोफेशन में आए हो और आपको लगता है कि यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज, तो आपको समझना पड़ेगा दैट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हो सकता है आप अपने बहुत ही एस्टीम लेवल की जॉब छोड़ के आए हैं, आप खुद आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहे होंगे, लेकिन आप जब आप टीचर बन गए हैं ना, तो आप टीचर बनिए, यू नो इंटेलेक्चुअल्स, ब्राह्मण, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ब्राह्मण होते कौन है। आई वुड से ब्राह्मण्स आर दोज हु आर एबल टू टीच। कास्ट से नहीं जोड़ो ब्राह्मण को। अगर इंडियन ट्रेडिशन को समझना है तो समझो हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है गुरु का और शिष्य का, राइट? रीना फिलोसफी क्या कहती है, हमारे यहाँ तो द्रोणाचार्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। तो आप टीचर्स हैं, आप चाहें तो शेप अप भी कर सकते हैं बच्चे का करियर, आप चाहें तो उसको डेविएट भी रख सकते हैं। आई नो कि डिफिकल्ट जर्नी है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, आपको अपने आप को खोना पड़ता है जब जाके आप किसी स्टूडेंट से ये कहलवा सकोगे कि हाँ शायद इन्होंने मेरी ये हेल्प करी। डिफरेंट डेफिनेटली एस्पेक्ट्स रहे हैं इस सिचुएशन को रह के, और हम सभी को कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, सभी को ये समझने की ज़रूरत है दैट इट इज़ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, और हम सब जैसे हो सकता है इस बच्चों की स्ट्रगल में उनको हेल्प कर सके, चाहे वो कोचिंग ओनर्स हो, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ब्यूरोक्रेट्स हो, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाए। तो कोचिंग इंडस्ट्री तभी है ताकि आप जो एक जॉब क्रिएट कर रहे हैं वो अगर इजी हो, लाइक यू नो अचीव करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना रहेगा, बट डेफिनेटली यू नीड सम गाइडेंस। पेरेंट्स से मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कहीं ज्वाइन भी करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के ज्वाइन करें, राइट? स्टूडेंट से मैं बोलूँगी कि दैट डू नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन कोचिंग, यू आर देयर टू हैव गाइडेंस, आपको वो अच्छे से समझाएं। आप क्लास ज्वाइन करने से पहले डेमो लेक्चर्स देखिए, उनके लेक्चर्स देखिए, बात कीजिए, पूछिए कि आप क्या प्रोवाइड करेंगे या आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, आंसर राइटिंग में वहाँ पे कितना फोकस है, क्लास में कम बच्चे हैं कि नहीं है, टीचर इंट्रैक्शंस कितना है आपका। टीचर इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने स्टूडेंट्स के नाम बच्चों के नाम याद रहते हैं, वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इंट्रैक्शन मैं रखती हूँ। और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, सारे टीचर्स आई थिंक यही कोशिश करते होंगे, ये कोई बहुत बड़ी नाम बात नहीं है। स्टूडेंट्स को भी ये समझना है, पेरेंट्स को भी समझना है, टीचर्स को भी समझना है, ब्यूरोक्रेट्स को भी समझना है, सबको एक अपनी अपनी तरीके से पॉजिटिव वे में इस इंसिडेंट से लर्निंग लेनी चाहिए। और फ्यूचर में हम यही कोशिश करें कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, कोई भी बच्चा प्रिपेशन करते हुए एटलीस्ट अपनी जान ना गवाए। और जो सपने लेके आप लोग आते हैं ना, मैं उन लोगों को भी ये बात बोलूँगी, प्लीज़ अंडरस्टैंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एग्जाम इट्स ऑल अबाउट हैविंग स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। लाइफ में परिस्थितियाँ आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे, उससे हारना नहीं है, उससे लड़ना है, जीतना है। और जीत आप तभी सकते हो जब आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड रखते हो। इस समाज में अगर
किसी को कुछ भी कंट्रोल करना है ना, वो सिर्फ एक ही चीज है, अपनी सोच। और आपकी सोच तभी सही हो सकती है, तभी रैशनल हो सकती है, जब आप फिलोसोफर्स को पढ़ते हैं, जब आप सही तरीके से पढ़ना जानते हैं, जब आप किसी किताब को पढ़ें तो उसमें जो नहीं भी लिखा है ना उसको भी आप समझ पाए। डिकंस्ट्रक्शन, जो है वो तो है ही सामने, लेकिन जो छुपा है उसको भी जब आप समझने लगेंगे तब आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड की तरफ झुकने लगेंगे, और वही जरूरत है। सो दिस इज माय जनरल एनालिसिस ऑन व्हाट हैड हैपन इन ओल्ड राजेंद्र नगर विद यूपीएससी एस्पिरेंट्स। थैंक यू।